हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम शुरू करना है? फ्लैट जी। मैम दिखाई दे रहा है बेटा आपको? वेरी हिंदी भाषा का विकास फ्लैट गुड, दिखाई दे रही है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के महत्व के बारे में चर्चा कर चुके हैं, भाषा की परिभाषा विशेषताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके पश्चात यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये टॉपिक तो आपको पूरा क्लियर हो गया है ना? जी मैम हो गए हैं। ओके। हाँ, बोलने वालों का महत्वपूर्ण होना ही बोली को महत्वपूर्ण बना देता है। हमारी आवाज भी क्लियर आ रही होगी आपको कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है? कोमल जी बताइएगा जरा। नहीं मैम कोई नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। स्लाइड दिखाई दे रहा है ना? हाँ मैम दिखाई दे रही है। कलकत्ता में हम परिनिष्ठित भाषा को प्राप्त कर चुके थे। शायद प्रादेशिक भाषा भी हमारा हो चुका था टॉपिक, है ना? हाँ अब हम लोग चलते हैं राजभाषा पर। तो राजभाषा का सीधा सा अर्थ होता है प्रशासन की भाषा, अर्थात किसी भी देश या प्रदेश के राजकाज के या प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। हुआ ऐसे कि 1949 में भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, और जिसका मतलब यह था कि केंद्र शासन अपने सभी कार्य संघ भाषा की अर्थात हिंदी में करेगा। लेकिन कहीं पर राजभाषा राष्ट्रभाषा इन दोनों में अंतर आ गया। जहां राष्ट्रभाषा की राजभाषा होती है वहां पर यह अंतर ज्ञात नहीं होता था, परंतु दोनों का एक ही समझना केवल भ्रम मात्र होता है। और वैसे देखा जाए तो देश या राष्ट्र के केंद्र और राज्य इस प्रकार के दो हिस्सों में उसे बांटा जाता है। अब यदि हम बात करते हैं कि केंद्र शासन और राज्य शासन तो क्या होता है, तो केंद्र शासन सेवा के अंतर्गत डाक विभाग आता है, रेल विभाग आता है, विदेशी व्यापार आदि विभाग इसमें कंट्रोल किए जाते हैं। और राज्य शासन के अंतर्गत शिक्षा है, पुलिस है, स्वास्थ्य और इस प्रकार की जो अन्य विभाग होते हैं उनका समावेश किया जाता है। राज्य शासन के लिए राज्य भाषाओं का, जैसे महाराष्ट्र में मराठी का प्रयोग किया जाता है, कर्नाटक में कन्नड़ का, तो इस प्रकार की यह राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। और आज केंद्र शासन की भाषा अंग्रेजी बनी हुई दिखाई देती है। हमने आपको इसके पूर्व भी बताया था कि जैसे 1949 में भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को जी स्वतंत्र भारतवर्ष की राजभाषा या संघ भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन हुआ ऐसे कि हिंदी के साथ साथ उसके सहचरी बहना के रूप में अंग्रेजी को ले लिया गया। तो लोगों ने क्या किया, उस समय के लोगों ने, फिर वह भारत के भी हो सकते हो और फिर अंग्रेजी शासन होने के साथ साथ अंग्रेजी लोग भी हो सकते, तो कई लोगों ने वहां पर हमारी हिंदी को आत्मसात न करते हुए अंग्रेजी को आत्मसात किया। और जब अंग्रेजी भाषा को आत्मसात किया गया तो कई प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि 1949 की बात में भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में घोषित जब किया गया, तब संविधान के अंतर्गत यह मान्य ही किया था कि केवल 15 वर्षों के लिए अर्थात 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। फिर अनुच्छेद क्रमांक 351 के द्वारा हिंदी के विकास के लिए सरकार को भी यह अधिकार दिया गया था, परंतु दुर्भाग्य से सन 1930 के भाषा विधेयक के द्वारा अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए हिंदी के साथ साथ उसकी सहचरी भाषा के रूप में जारी रखा। और इस कारणों के तहत भी यह देखा गया कि हिंदी संघ राज्य की भाषा होते हुए भी अंग्रेजी आज उसके साथ साथ चल रही है।
परंतु भाषा तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान के कारण आज हिंदी का प्रयोग बढ़ने लगा और उसकी यात्रा राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा की ओर आरंभ हो रही है। देखिएगा कि यदि हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों कि हिंदी, अब तो हिंदी पखवाड़ा लोग मना रहे हैं, अभी भी हिंदी दिन को हिंदी त्योहार के रूप में आत्मसात करने वाले की संख्या ज्यादा तौर पर पाई जाती है, लेकिन यदि हम लोग जानते हैं 16 सितंबर को हिंदी दिन मनाया जाता है, तो वास्तविक तौर पर कई प्रकार की सुविधाओं को आत्मसात किया गया। हम यूं कहेंगे कि भारत की संघ भाषा में यदि इन्हें स्वीकार किया जाता है, तो वास्तविक तौर पर हिंदी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में आत्मसात हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं यह कर पाते हैं कि अंग्रेजी का जो प्रचलन है, अंग्रेजी का प्रचलन अधिक मायने में पाया जाता है, तो राजभाषा के रूप में भले ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमारी हिंदी को आत्मसात करते जाते हैं, फिर भी हमारी 1963 के पश्चात भाषा विधेयक ने अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए, मतलब कोई ऐसा निश्चित कालावधि नहीं दिया था, जैसे 1949 में उन्होंने तय कर दिया था कि केवल 15 वर्षों तक ही, मतलब 1949 से लेकर 15 वर्ष तक, अर्थात 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। अब क्या करते हैं हम लोगों ने, हमने सभी को मतलब एक साथ अब अनिश्चित काल के लिए हिंदी को, अंग्रेजी को उसके सहचरी के रूप में आत्मसात कर दिया। लेकिन अब देखिए, अब हम लोग जागृत हो गए, अब तक की हमारी जागृत अवस्था शायद सो गए थे, जिस कारण हमें प्राप्त ही नहीं थी कि हिंदी का प्रचलन कैसे होता है। फिर कई भाषा वैज्ञानिक हमारे सामने आए, जैसे हम लोग प्राप्त कर चुके इसके पहले भी कि मधुकर राव चौधरी जी हैं, डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी हैं, जो हमारे भारतवर्ष में रहते हैं, जो हमारे खानदेश की भूमि में, खानदेश की मिट्टी में रहते, इन लोगों के जरिए ही क्यों ना हो हमें वो सारी चीजें प्राप्त हो गई। कौन कौन सी, तो सर्वप्रथम तो बात चलती है हिंदी के प्रचार प्रसार की, तो इन्हीं लोगों के जरिए हिंदी को प्राप्त होने वाला जो स्थान था वो राजभाषा के तौर पर उन सभी लोगों ने हमें प्राप्त करवा दिया। और आज हम लोग हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में नहीं, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं, अपितु हम हमारी हिंदी को एक वैश्विक स्तर की भाषा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी यह जो राजभाषा है, अभी ये पॉइंट हमारा समाप्त हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रभाषा की ओर। अब देखिएगा, राष्ट्रभाषा का मतलब होता है नेशनल लैंग्वेज। अब राष्ट्रभाषा अर्थात अपने राष्ट्र की भाषा, जिस राष्ट्र में सब लोग जिस विशेष भाषा में परस्पर विचार विनिमय करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। वास्तविक तौर पर व्यक्ति के जीवन में मातृभाषा के समान ही राष्ट्रभाषा का स्थान होता है। राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रभाषा ही प्रबल साधन माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रभाषा से राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता का निर्माण होता है। अब देखिएगा कि राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रभाषा ही प्रबल साधन माना जाता है। अब कैसे, एकता को यदि सुरक्षित रखना है तो हमें राष्ट्रभाषा को प्रबल साधन मानना होगा, क्योंकि जब हम लोग हमने प्राप्त कर लिया इसके पहले कि एक भाषा को यदि दूसरे व्यक्ति जानते हैं, समझते हैं, तो उसे हम एक भाषा भाषी कहते हैं, और इसी कारण किसी भी देश में उसका राष्ट्रभाषा का सम्मान भी किया जाता है। और जिस तरह राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र गीत राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र की भाषा को राष्ट्रभाषा उस राष्ट्र के निवासियों को एक सूत्र में बांधे रखती है। राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा माना जाता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीयत्व का अंग होती है। राष्ट्र का निर्माण और उसके विकास में राष्ट्रभाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। राष्ट्र की उन्नति, उसके विकास की जांच राष्ट्रभाषा के ही द्वारा की जाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के अनुभव का, ज्ञान का भंडार होता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा आदर्श सुस्पष्ट रूप से राष्ट्रभाषा में प्रतिबिंबित। भारत बहुभाषी देश है और भारत ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया हुआ है।
और इसी कारण शिक्षा के संबंधित, राजनीति से संबंधित, विदेशी व्यापार से संबंधित, पत्राचार या साहित्य सृजन से संदर्भित, जब राष्ट्रभाषा को जिस भाषा को अपनाया जाता है वह भाषा राष्ट्रभाषा कही जाती है। हमने इसके पूर्व भी बोली भाषा कैसे बनती है उसे देखा, समझा कि बोली भाषा कैसे बनती है, जिस कारण बोली को उपबोली का रूप धारण करना पड़ा और उपबोली को एक वैयक्तिक बोली से लेकर, एक सीमित क्षेत्र से लेकर व्यापक स्तर पर जब उसे यात्रा करनी पड़ी, तब हमारी यह जो भाषा थी यह भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाई जाने लगे। अब जो साहित्य का एक अच्छा दृष्टिकोण भारतेंदु जी ने रखा, उन्होंने कहा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को, अर्थात स्वयं ही भाषा में देश की उन्नति होती है, और जब देश की उन्नति हो जाती है तो आज राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत होने वाली हमारी हिंदी सभी गुण उसमें दिखाई देते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि हिंदी में कौन कौन से गुण होते हैं, वैसे हिंदी के राष्ट्रभाषा होने के प्रमुख दो कारण दिखाई देते हैं। एक तो पहली चीज की सर्वाधिक लोक समुदाय के द्वारा वह प्रयुक्त की जाती है, अब देखिएगा कि कैसे वह सर्वाधिक लोक समुदाय के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, और दूसरी चीज की है कि वैज्ञानिक तथा सरल देवनागरी लिपि में वह लिखी जाती है, मतलब जैसे लिखे जाते वैसे पढ़ी जाते है ना, और वैसे ही वह समझी भी जाती है। तो सर्वाधिक लोक समुदाय के द्वारा प्रयुक्त होती है, अब देखिएगा कि सर्वाधिक लोक समुदाय के द्वारा प्रयुक्त होना भाषा को भाषा का स्तर प्राप्त करवा देना या किस स्तर पर होता है, मतलब कैसे हम लोग जानेंगे किस दायरे से यह भाषा ने किया होगा। तो जिस प्रकार हम आपको इसके पूर्व बता चुके हैं कि एक बोली थी, बोली से व्यक्ति बोली, उपबोलियां जब रूप धारण करते तो अपनी सहचरी बहनों से वह अलग हो जाती है। सेकेंड टाइम उसे व्यापार के तौर पर अपनाया जाता है, राजनीति के तौर पर अपनाया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में अपनाया जाता है, संस्कृति के संदर्भ में अपनाया जाता है, धर्म के संदर्भ में अपनाया जाता है, और जब इस प्रकार की भाषा का दौर आगे बढ़ता है तो वह बोली भाषा के रूप में प्राप्त होती है। अब राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसे उन पर व्याकरणिक आधार दिया जाता है ना, अब जब व्याकरणिक आधार उन सभी पर दिया जाता है तब उस भाषा को उस कसौटी पर जांचा जाता है, परखा जाता है, और उसके पश्चात जांचा और परखा जाने के पश्चात ही वह भाषा के लायक है यह घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार हमारी ये जो राष्ट्रभाषा थी यह राष्ट्रभाषा हमने आपके समक्ष रखी, और कई प्रकार के जैसे जो भाषा संपूर्ण देश में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए विचार विनिमय का साधन बनती है या पारस्परिक व्यवहार के माध्यम बन जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा के कई गुण हैं जिसमें सर्वग्राह्यता है, बोधगम्यता है, भाषिक सरलता है, उच्चारणगत सरलता है, और इन गुणों के कारण हिंदी राष्ट्रभाषा के निश्चित ही योग्य है। सर्वग्राह्य बन गई, बोधगम्य बन गई, मतलब सभी कुछ समझ में आ जाती है। आज हम महाराष्ट्र में रहते हैं, भले ही हमारी मातृभाषा मराठी, फिर भी हम अपनी हिंदी को समझते हैं, है ना। अंग्रेजी लोग भले ही वह अंग्रेजी को आत्मसात करते, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ यदि उनको हम बताएं तो मराठी को आत्मसात नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी को वो बहुत अच्छे से समझ सकते। जैसे हम लोग झांसी के रानी को देखते हैं, उनके वक्तव्य को देखते हैं, पढ़ते हैं। आपने मणिकर्णिका का फिल्म देखी होगी या नहीं देखी होगी मुझे नहीं पता, नहीं देखी है तो जरूर समय निकाल कर उस मणिकर्णिका का फिल्म को देखिएगा। तो किस प्रकार वो अंग्रेजी लोग जो है वो हिंदी को आत्मसात करते हैं, और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी का वो भी आप लोग देखिएगा कि वो कैसे क्या बोलते हैं। मतलब यदि हम सहस्रारी शब्द को बोलते तो वो सहस्रारा बोलते हैं ना, मूलाधारी शब्द को बोलते वो मूलाधारा यह शब्द बोलते, मतलब हर जगह पर उनका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो आ के रूप में होता है। जहां पर हम लोग सिंगल वर्ड यूज करते हैं वहां पर वही वो दीर्घोत्तरी उच्चारण उनका होता है। जब आप लोग व्याकरण का टॉपिक पढ़ोगे तब व्याकरण के साथ साथ ये आपको जो डिफरेंस है भाषाओं का, मतलब व्याकरण का किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें आपको आप लोग पढ़ते जा रहे होगे अभी। तो हाँ जी, हाँ आप कुछ कहना चाहते हो कविता?
नहीं मैम, हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी मैम। हाँ, अब देखिएगा जो लोग टॉवर में है, जिसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, अब बारी आती है। अब देखिएगा कि यहाँ पर मंगला करके, कोमल करके दो लड़कियां नहीं है, तो आपको ये स्लाइड दिखाई दे रही है। अब एक राष्ट्रभाषा पर बात करेगा, दूसरा राजभाषा पर, ठीक है? अब जिनका टावर परफेक्ट है, जैसे वैशाली आपका टावर यदि होता है, कविता का टावर शायद कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। कविता आप बात कर सकते हो राष्ट्रभाषा के संदर्भ में? जी मैम, कर सकते हैं। आप राष्ट्रभाषा का ले लीजिए। आप में से कोई भी जिनको लगता है कि जी हमारा टावर परफेक्ट है, हमारी आवाज पहुंचेगी, तो ऐसा बंदा राजभाषा पर बात करेगा। एक बंदा राष्ट्रभाषा की एक विशेषता जो आपके सम्मुख दिखाई दी जा रही है, और वह दूसरी राजभाषा के तौर पर बताते जाइएगा आप, या क्योंकि ऑलरेडी आपका सबका हो चुका है। वैशाली विद्या, आप लोगों से अपेक्षा है कि आप आपके माइक को ऑन कर दीजिएगा और बात करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कविता आप राष्ट्रभाषा को लीजिए। राष्ट्रभाषा का पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि राष्ट्रभाषा का उपयोग उसके बाहर भी किया जाता है, तो उसे आपको बताना है कि कैसे बाहर किया जाता है। और राजभाषा का उपयोग राजकाज तक ही सीमित है, क्योंकि राजभाषा आपका हो गया है, राष्ट्रभाषा आपका हो गया है। अब इन दोनों पॉइंट्स पर डिस्कशन आपको करना है, क्योंकि ये आपका डाउट सेशन चल रहा है, ये आपका रिविजन सेशन चल रहा है। वैशाली विद्या, आप हमारी बातों को यदि सुन रहे हो तो आप आपके माइक को ऑन कर दीजिए। ओके, विद्या का ऑन हो चुका है, वैशाली का भी ऑन हो चुका है। अब कविता, वैशाली, विद्या, तीनों में आप लोग तय कर लीजिएगा, वैशाली और विद्या दोनों में से कौन राजभाषा पर बात करना चाहता है। स्लाइड तो दिखाई दे रहा है आपको। विद्या आप बात कर लीजिए, वैशाली का बंद हो गया है। एक कविता और विद्या एक पॉइंट पढ़ना है मैम, सिर्फ जी पढ़कर ये थोड़ा पॉइंट सा पढ़ना है। जी विश्लेषित करना है आपको कि आप कितना समझे। जी कविता, नाउ यू आर स्टार्ट। जी मैम, राष्ट्रभाषा का उपयोग उसके बाहर भी किया जाता है, यानी कि जैसे विदेशी लोग होते हैं बाहर के, उन्हें ज्यादातर दूसरी लैंग्वेज समझ नहीं आती भाषाएं, तो उन्हें राष्ट्रभाषा ज्यादातर समझ में आती है, इसलिए राष्ट्रभाषा ही उपयुक्त है। वेरी गुड, मतलब तय है आपका कहना ऐसा है कविता जी की राष्ट्रभाषा केवल अपने क्षेत्र में सीमित न होकर उसका जो दायरा है वह व्यापक होकर सबके सम्मुख आ जाता है। अपने प्रांत को छोड़कर दूसरे प्रांत में भी राष्ट्रभाषा का उपयोग किया जाता है। बाहर से तात्पर्य आपको बिल्कुल क्लियर हो गया जी। विद्या जी आप बात कीजिएगा अभी। राजभाषा का उपयोग राजकाज तक सीमित है, यानी कि राजभाषा का उपयोग हम राजकीय कामकाज के लिए भी करते हैं, जैसे राजकीय कामकाज के लिए, जैसे कि किसी को संदेश भेजना हो या फिर पॉलिटिकल काम के लिए भी राजभाषा का उपयोग होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वैशाली, मंगला, कोमल और मंगला, क्या आप उनको समझ रहे हो जो विद्या और कविता कर रही है? डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। कविता, नाउ यू आर स्टार्ट। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। जी मैम, राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा जिस राष्ट्र में सब लोग जिस विशेष भाषा में परस्पर विचार विनिमय करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता यस, क्या है ये डेफिनेशन बताई है आपको कि राष्ट्रभाषा की डेफिनेशन क्या है, उसे थोड़ा सा विश्लेषित कर दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलिए ना। मतलब कि हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा पर ही विचार विनिमय करते हैं लोग, इसलिए उसे राष्ट्रभाषा माना गया है हिंदी वेरी गुड, चलिए विद्या, को। विद्या इसी जैसे कि मैंने बताया कि प्रशासन में
क्या उपप्रयोग होने वाली भाषा ही राज्य भाषा होती है, इसीलिए उसकी व्याख्या करते हुए लिखा है यहाँ पर, किसी भी देश या प्रदेश के राजकाज या प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट कविता। मातृभाषा के संबंध में राष्ट्रभाषा का स्थान होता है, यानी कि हम अपने माँ से जो भाषा सीखी जाती है उसे मातृभाषा कहा जाता है, और वो हमें सरलता से समझ में आती है इसलिए वो मातृभाषा हम जल्दी समझ पाते हैं। वैसे ही राष्ट्रभाषा है हमारी, जैसे कि सब लोग सरलता से राष्ट्रभाषा को समझते हैं। ओके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट विद्या। राजभाषा का सीधा सा अर्थ है कि प्रशासन की भाषा। प्रशासन की भाषा यानी कि जैसे मैंने आप पहले कहा, प्रशासन में यूज होने वाली राजभाषा, यानी दो राज्यों के बीच कोई भी डील होने करनी हो तो जिस भाषा का उपयोग होता है उसे प्रशासन की भाषा यानी कि उसे राजभाषा कहते हैं। वेरी गुड। अब दोनों को बात करनी है। पहले कविता बात करेगी, उसके बाद में विद्या। ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, किसी देश में राष्ट्रभाषा वही होती है जो राजभाषा होती है ना? हुआ है नहीं हुआ है ये पॉइंट? आप बोलते जाएंगे तो हमें पता चलेगा। आप लोग बात करते जाइएगा, कविता विद्या। राष्ट्रभाषा हाँ हर राष्ट्र पर निर्भर करती है, यानी कि जैसा राष्ट्र हो यानी कि राष्ट्रभाषा राष्ट्र के लोगों पर भी निर्भर करती है। और देखिए आप उस पॉइंट को समझिएगा बेटा, पॉइंट को देखिए। पहला पॉइंट जो हमने आपको बताया, राष्ट्रभाषा का उपयोग उसके बाहर भी किया जाता है, से तात्पर्य कि केवल अपने प्रांत में नहीं बल्कि दूसरे प्रांत में भी उसे अपनाया जाता है। लेकिन राजभाषा का उपयोग हम अपने केवल राजकाज तक ही सीमित कर रखते हैं। जिस प्रकार से यदि हम मराठी का प्रयोग करते हैं, आप लोग देखिएगा बेटा कि जितने उदाहरण हम आपको बताते जाते हैं ना, उन उदाहरणों को आप लोग डालते जाइएगा ताकि आपको भी क्लियरिफिकेशन हो जाए उसका। तो राष्ट्रभाषा का उपयोग हम यदि बाहर भी करते हैं, जैसे कविता ने बहुत सुंदर सा उदाहरण बताया कि अंग्रेजी भाषा को हम लोग जानते नहीं लेकिन बाहर के लोग हिंदी को भी जानते हैं ना, तो वैसे ही राजभाषा का उपयोग राजकाज तक ही सीमित है। आज यदि हम लोग प्रयोग करें मराठी भाषा को तो मराठी का राजकाज तक ही सीमित रखा जाता है, उसके बाहर राजभाषा को अपनाया नहीं जाता है ना। अब दूसरी डेफिनेशन को हमने आपको बताया कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा, इसके अंतर को भी बताया कि किसी देश या प्रदेश के राजकाज या प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। लेकिन राष्ट्र के मतलब राज्य एक अलग है और राष्ट्र अलग है, तो राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा और जिस राष्ट्र में सब लोग विशेष भाषा में परस्पर विचार विनिमय करते हैं, मतलब उनका लेन देन भी उसी भाषा में होता है, उसका व्यापार भी उनकी भाषा में होती है, उसकी राजनीति भी उसी भाषा में चलती है और साहित्य भी उसी भाषा में चलता है, तो उसे हम राष्ट्रभाषा का प्राप्त दर्जा दे पाते हैं। सेकेंड टाइम हमने आपको बताया कि मातृभाषा के समान ही राष्ट्रभाषा का स्थान होता है, तो मातृभाषा जितनी महत्वपूर्ण होती है उतनी हमारी राष्ट्रभाषा भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजभाषा का सीधा सा अर्थ होता है प्रशासन की भाषा, तो प्रशासन से तात्पर्य क्या लोगे, तो राजभाषा जो होती है वह अपने संपूर्ण प्रशासन को चलाती है, मतलब केंद्र शासन को चलाते हैं, राज्य शासन को चलाते हैं इस प्रकार। फिर केंद्र शासन और राज्य शासन के अंतर्गत आने वाले जो दो विभाग होते हैं उनमें रेल कहाँ पर आता है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पर आते हैं, स्कूल कहाँ पर आते हैं, ये भी डेफिनेशन आपको वहां पर लिखना होगा। राष्ट्रभाषा पर हर राष्ट्रभाषा जो होती है तो पूरा राष्ट्र उस पर निर्भर होता है। हमने आपको ऑलरेडी बता चुके इसके संदर्भ में कि किस प्रकार से राष्ट्रभाषा होती है और राष्ट्र भाषा का महत्व कितना होता है, जैसे राष्ट्रगीत का महत्व होता है ना, राष्ट्रध्वज का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रभाषा का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और राजभाषा केवल एक सीमित प्रदेश के लिए होती है,
अब हमारी जो लास्ट वाली डिफिनेशन है, विशेषता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों जगह पर आप लोग एक जैसे लिख सकते हो। जैसे किसी देश में राष्ट्रभाषा वही होती है जो राजभाषा भी होती है, मतलब जिस देश में राजभाषा होती है उसी देश की राष्ट्रभाषा भी वही होती है। जैसे हम लोग यदि MP में चले जाते, उत्तर प्रदेश में चले जाते, मध्य प्रदेश में चले जाते, तो वहां की राजभाषा भी हिंदी ही है ना। पढ़ते हैं तो हिंदी में, लिखते हैं तो हिंदी में, बात करते हैं तो हिंदी में, व्यापार चलता है तो हिंदी में, राजनीति चलती है तो हिंदी में, साहित्य मिलता है तो हिंदी में, धर्म मिलता है तो हिंदी में। तो जहाँ की राष्ट्रभाषा वहां की होती है, किसी देश की, किसी प्रदेश की, किसी प्रांत की, तो वही उस प्रांत की राष्ट्रभाषा भी कहलाती है। और यही अंतर है बेटा राष्ट्रभाषा का और राजभाषा का। इतना क्लियर हुए जी मैम? क्लियर हो रहा है आप सभी को? हाँ मैम हो रहा है। वेरी गुड, आगे बढ़े। यस मैम। अब देखिएगा, ऑलरेडी हम इसके संदर्भ में भी चर्चा कर चुके हैं, बोली क्या है और परिनिष्ठित भाषा क्या है, है ना। बोली का क्षेत्र कैसे होता है? सीमित होता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। हमने आपको बता दिया, इसके पूर्व व्यवसाय ये सारी चीजें बता चुके हैं कि भाषा का क्षेत्र यदि व्यापक होता है तो बोली का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। एक भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत अनेक बोलियां हो सकती हैं, है ना, बताया था आपको। परंतु एक बोली के क्षेत्र में अनेक भाषाएं कदापि नहीं हो सकती। तो यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे समझा दोगे क्या? यह पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। एक भाषा के क्षेत्र में, क्षेत्र के अंतर्गत अनेक बोलियां हो सकती है, परंतु एक बोली के क्षेत्र में अनेक भाषाएं कदापि नहीं हो सकती। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन समझाएगा? शायद कविता, शायद विद्या। हाँ, वैशाली की बात नहीं सुनी हमने, वैशाली से सुनते हैं आज। वैशाली प्लीज आपका माइक ऑन कर दीजिए बेटा। हाँ जी बोलिए। हमारा प्रश्न फिर से एक बार हम आपको रिपीट करना चाहते हैं कि एक भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत अनेक बोलियां हो सकती हैं, परंतु एक बोली के क्षेत्र में अनेक भाषाएं कदापि नहीं हो सकती। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और शायद ही मेरी ये जो बच्चियां हैं पांच, इनको भी समझ में नहीं आया, इसलिए आपसे प्रश्न किया जा रहा है। वैशाली आपका माइक ऑन कीजिए, बात करना स्टार्ट कीजिए। इसका एग्जाम्पल दीजिए, इसके एग्जाम्पल हम आपको दे चुके हैं ऑलरेडी। हाँ बोलो। एक भाषा में अनेक बोलियां इसलिए नहीं हो सकती मैम। हाँ मैं कविता बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। एक बोली में अनेक भाषाएं नहीं हो सकती क्योंकि लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए। ठीक है। नहीं मैम। हाँ बोलो। एक सेकेंड। हाँ, भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां हो सकती है, जैसे कि हमारी मराठी है। मराठी भाषा अलग है, लेकिन हम जो घर में यूज करते हैं वो हमारी बोली होती है। खानदेश यानी कि मेरे घर में भी खानदेशी यूज होती है। ओके। लेकिन बोली, बोली के क्षेत्र में अनेक भाषा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? भाषा, भाषा के रूप हो सकते हैं, यानी कि भाषा की बोलियां हो सकती है। जैसे आपने बात बताया था एग्जांपल, चलिए देखिए, उपरोक्त जो विशेषता दिखाई देती है दोनों की, उसी से संदर्भित यह दूसरी विशेषता आपके सम्मुख रखी हुई है। एक चीज आपको समझा दे कि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का क्षेत्र
सीमित होता है, जिस कारण एक भाषा की अनेकानेक उपबोलियां हो सकती है, बोली हो सकती, उपबोलियां हो सकती, लेकिन एक बोली की भाषा नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? तो पहले तो वो बोली का रूप होगा, पहले तो जन्म बोली का होगा। बोली जब विकसित होगी, उपबोली का रूप धारण करेगी, व्यक्ति बोली विकसित होगी, तब उपबोली का रूप होगा और उपबोली पर व्याकरणिक नियमन शुरू होगा और तब जाकर वह भाषा बनेगी। क्लियर हो गया ना? जिस कारण हम यह प्राप्त करते हैं कि यदि हम हिंदी को लेते हैं तो हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज, अवधि, इस प्रकार की तमाम बोलियों को ले सकते हैं, लेकिन अवधि इस बोली के दरमियान हम किसी भी प्रकार की भाषाओं को नहीं ले सकते। क्लियर हो गई ये दो जो हमने पारस्परिक अंतर बताया? जी मैम। जी मैम। अब आगे है कि एक भाषा की अनेक बोलियों में परस्पर बोधगम्यता का गुण होता है। मतलब देखिएगा कि एक भाषा में अनेक बोलियों में परस्पर बोधगम्य मतलब बोध होता है ना। जैसे हम लोग मराठी की खानदेशी को अपनाते हैं और वही पुणे का जो बंदा आपसे डिस्कस करता है, तो क्या आप उनकी भाषा को, उनके बोध को नहीं अपना पाते, उसके विचारों को आत्मसात नहीं कर पाते? तो हम लोग कर सकते हैं, है ना। मतलब देखिएगा कि जब किसी भी व्यक्ति आपके साथ बात कर रहा है और वो उसी बोली में बात कर रहा है, तो जब वह व्यक्ति उस बोली में बात करने का उसका रवैया होता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि कौन सी बोली उसकी है और हमें बात किस चीज पर करनी है और कैसी बात करनी है। तो जिस प्रकार से एक भाषा की अनेक बोलियों में परस्पर बोधगम्यता, परस्पर बोधगम्यता से तात्पर्य है कि एक दूसरे को अच्छे से समझना, उसका बोध लेना। और जब एक भाषा की अनेक बोलियां होती है तो उन बोलियों में परस्पर संबद्धता होती है, एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। मतलब अवधि बोलने वाला बंदा ब्रज को समझ सकता है, ब्रज को बोलने वाला बंदा दक्कीनी को समझ सकता है। जिस प्रकार हम लोग मराठी भाषा को आत्मसात करते हैं, खानदेशी को आत्मसात करते हैं, अहिराणी को भी बोल सकते हैं, उनको भाषा को समझ सकते हैं, यही परस्पर बोधगम्यता का जो गुण होता है। वो अनेक प्रकार की जो बोलियां लेकिन एक भाषा से संदर्भित होती है, तो यह अंतर पाया जाता है कि एक परिनिष्ठित भाषा में और उसकी बोलियों में क्या अंतर होता है। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? आगे बढ़े ओके। अब देखिएगा कि अगला जो पॉइंट है कि एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, लेकिन अन्य भाषा उसकी बोलियों को समझने के लिए विशेष प्रयत्न या गहरे अध्ययन की आवश्यकता होती है। देखिएगा यदि हमारी भाषा मराठी है तो मराठी भाषा की हमारी बोली खानदेशी हो सकती है, अहिराणी हो सकती है, कोकणी हो सकती है, विदर्भी हो सकती है, पुणेरी हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे परस्पर रूप से एक दूसरे को समझ लेंगे, है ना। फिर अन्य भाषा उसकी बोल और अन्य भाषा को, जैसे हमारी हिंदी भाषा हमारे लिए अन्य भाषा हुई और उसकी बोलियां, फिर उसकी बोली दक्कीनी है, मारवाड़ी है, ब्रज है, तो उसकी बोलियों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। अब जैसे हम आपको बता दें कि माली की टोकरी में सब्जी रखी थी और तराजू रखा था, परंतु वहां पर एक भी आदमी नहीं था, सारी बाजार सुनी थी। इसी को यदि हम इस प्रकार से कहे कि माली की टोकरी में, यदि हम लोग कहते हैं कि माली की टिकरा में सब्जी रखी और तार परी धरिए परी महा आदमी नोहे सारी बाजार सुनोहे, तो क्या आप उसे समझ पाओगे? नहीं। उसे समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी भाषा को समझना पड़ेगा, उसकी बोलियों को समझना पड़ेगा, उसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। जब आप सभी लोग उसका अध्ययन करोगे, जब आप उसको समझोगे, प्रयत्न करोगे, तभी तो ना आप उसकी भाषा को, उसकी बोलियों को समझोगे। क्लियर हुआ? अब देखिएगा लास्ट वाला पॉइंट हमारा चल रहा है कि बोली की अपेक्षा भाषा अधिक मान्यता प्राप्त होती, होता ही है ना। जब बोली केवल व्यक्तिगत स्तर पर पाई जाती है, जैसे कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि बोली का क्षेत्र एक सीमित रूप में होता है, घरेलू स्तर पर आत्मसात की जाती है ना, लेकिन भाषा का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है। अब देखिएगा कि भाषा का प्रयोग हम शिक्षा के तौर पर आत्मसात करते हैं, शासन में आत्मसात करते हैं, साहित्य सृजन के लिए आत्मसात करते हैं, कोर्ट कचहरी के रूप में प्राप्त करते हैं, तो बोली का प्रयोग केवल दैनिक व्यवहार की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। अन्यथा यदि हम लोग बात करते हैं बोली को, तो
बोली का क्षेत्र सीमित है, घरेलू स्तर पर अपनाई जाती तो भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य, कोर्ट, कचहरी, राजनीति, व्यापार आदि के लिए भी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण बोली का क्षेत्र निश्चित तौर पर सीमित माना जाता है, घरेलू स्तर पर माना जाता है, और भाषा का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक रूप में माना जाता है। दोस्तों यहाँ तक हमारा जो पॉइंट था वो समाप्त हो चुका है। अब देखिएगा इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर आपको प्रश्न, ब्रॉड क्वेश्चन आपको कहाँ पर पूछा जाएगा वो भी बता दिया, शॉर्ट नोट कहाँ पर, टिप्पणी नुमा सवाल जो होगा टिप्पणियां कैसे पूछी जाएगी कि बोली और परिनिष्ठित भाषा के अंतर को, पारस्परिक संबंधों को बताइए, राजभाषा पर चर्चा कीजिए, राष्ट्रभाषा, ऐसा आपको एक पॉइंट दिया जाएगा। पिछले जो प्रश्न पत्र है ना, वो पिछले प्रश्न पत्र शायद डिपार्टमेंट का, यदि हम लोग मतलब डिपार्टमेंट की प्रविधि से हम परिचित नहीं है, अभी हम परिचित हो जाएंगे धीरे धीरे, यदि डिपार्टमेंट में संग्रहित होता है आपका तो डिपार्टमेंट में भी आपको पुराने प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो पता चल जाएगा। जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा या ऑनलाइन सिस्टम में हम भी देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर यदि हमें भी मिलता है तो आज कोशिश करेंगे तो आपको वह जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वह भी आप तक पहुँचाने का प्रयास हमारा होगा। प्रारूप तो मिल गया लेकिन पुराने प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक पर कौन सा प्रश्न ब्रॉड क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है ना। तो ध्यान में रखिएगा बेटा कि हमेशा ये जो टॉपिक है आपका परिनिष्ठित भाषा का, तो बोली भाषा कैसे बनती है या ब्रॉड क्वेश्चन होगा, आपको लिखना कैसे है इसके पूर्व लेक्चर्स में भी हम आपको बता चुके हैं। अब इस पर केवल शॉर्ट नोट पूछी जाएगी परिनिष्ठित भाषा पर, राजभाषा पर, राष्ट्रभाषा पर, या राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर पर, बोली और परिनिष्ठित भाषा के अंतर पर केवल टिप्पणियां पूछी जाएगी। ब्रॉड क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा ये आपको पहले बता चुके हैं, लिखा कैसे जाएगा ये भी बता चुके हैं। इसके संदर्भ में अब आपको दो पॉइंट आपके बहुत अच्छे से हल कर चुके हैं, आपका भाषा, भाषा का स्वरूप, भाषा का महत्व, भाषा की विशेषताएं, इस पर भाषा की परिभाषा, यह पहले पॉइंट में चार पॉइंट हमारे सब पॉइंट्स के रूप में थे, उस पर हमारा लेक्चर हो चुका है। लेक्चर्स के पश्चात गूगल क्लासरूम में हम आपका आपको वीडियो डाल चुके हैं, शायद आपका रिविजन भी हो चुका है, अब इस पॉइंट का भी रिविजन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब आपका डाउट सेशन चलता है। बेटा आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, आपके माइक ऑन कर दीजिए और चर्चा करना स्टार्ट कर दीजिए। कविता से स्टार्ट करते हैं, विद्या तक एंड करते हैं, हर किसी को आपको अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार है, आप बोल सकते हो। कोमल जी, मंगला जी, वैशाली जी, आपसे बात नहीं हो पा रही है, आपका आवाज, हम लोग मीठी आवाज है आपकी, सुन नहीं पाए हैं, तो प्लीज आप आपके माइक को ऑन कर दीजिए ताकि हम आपकी मीठी आवाज को सुन सके। आप तो सुन रहे हो ना हमारी आवाज, तो आ रही है ना आपको कोमल जी? मैम आ रही है लेकिन इन बच्चों की बात नहीं हो पा रही, तो कोई डाउट होता है आपको, कोई समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई पॉइंट है क्या कि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो रहा है, किसी की आवश्यकता है आपको कि मैम ये पीपीटी जो आप यहाँ पर दिखाते हो, ये पीपीटी आप गूगल क्लासरूम पे शेयर कीजिए, आपको जो भी चर्चा करनी है, अब आपका डाउट सेशन है, अब आपका चर्चा का सेशन चल रहा है, आपके माइक को ऑन कर दीजिए और आप अभी चर्चा करना स्टार्ट कर दीजिए। चर्चा वास्तविक तौर पर हमारे विषय से रिलेटेड ही होगी, अन्य विषय के रिलेटेड नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा। हाँ स्टार्ट कीजिए कविता जी। मुझे कोई डाउट नहीं है मैम। पूरा क्लियर हो रहा है आपको? जी मैम। हाँ वैशाली जी मैम। बेटा आपकी आवाज बहुत ही कम आती है, आप खाती नहीं हो क्या? ऊपर बीमार हो, खांसी आ रही है आपको, क्या प्रॉब्लम है? खांसी खांसी क्यों भाई, बहुत समय अच्छा नहीं चल रहा है, खांसी है तो आप घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो और घर के जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनको अपनाया करो, है ना, गर्म पानी पियो और कुछ मत खाओ बाहर का। जी जी जी। फ्रूट्स खा रहे हो तो फ्रूट्स को धोकर बहुत अच्छे से सोख कर खाओ, ऐसे मत खाओ। हाँ कोमल जी आपकी आवाज नहीं सुने। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? मंगला
आपका माइक ऑन है कोमल जी, आप बात करना चाहती हो तो आप कर सकती हो, आप यदि हमें सुन सकती हो तो आप अपनी बातों को रखो कि हमें ये पॉइंट समझ में आया है, वो नहीं आया है, जो भी है वो आप बात कर सकती हो। वैशाली, विद्या, मैडम या नोट्स जर तुम्हाला लिहायला मिळाला तर, म्हणजे जरी पीपीटी तुम्ही ग्रुपला टाकली तर। ओके, बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, आपको हम वही चर्चा करने वाले थे अभी। तो आपको नोट्स चाहिए, पीपीटी चाहिए, जैसे जो सुविधा आपको उचित लगे वह सुविधाओं के लिए हम आपके कारण आम्ही ते व्यवस्थित आमच्या वही राइट डाउन करू शकतो। व्हेरी गुड, ठीक है। जसं की सरांनी टाकले ना, ते आम्ही दोन नोट्स होत्या, ते मी माझ्या वहीत लिहून घेतल्या। ओके ओके, मतलब आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आपको पीपीटी की जरूरत नहीं है, आपको सीधे नोट्स पीडीएफ फाइल दे देंगे, है ना? जितना हमारा हुआ है लेक्चर्स का उतनी सभी की पीडीएफ फाइल हमारी तैयार है, तो वो पीडीएफ फाइल हम आप तक शेयर कर देंगे आज ही, है ना? हो सके तो आज नहीं तो कल, तो गूगल क्लासरूम पे वो सारी चीजें आपको डाल देंगे। हाँ, और कोई सवाल आ रहा है किसी को?